प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत से उत्साहित और खुश वृंदावन के साधु संतों ने आज एक बैठक की, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले सभी प्रमुख साधु संत शामिल रहे, जहां पर दोबारा से जीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी गई। तो एक बार फिर से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के भव्य निर्माण की मांग यहां से उठाई गई, जिसके लिए एक मांग पत्र पर साधु संतों ने अपने हस्ताक्षर किए और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर के साथ काशी में कॉरिडोर बनाए जाने का काम किया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर और उसी तरह मथुरा में भी मंदिर का निर्माण हो और यहाँ भी कृष्ण कॉरिडोर के रूप में एक सुंदर मथुरा को सजाया जाए, ताकि करोड़ों हिंदुओं और श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र मथुरा में भी साधु संतों के साथ आम कृष्ण भक्तों को और श्रद्धालुओं को भव्य मंदिर में विराजे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो सके। हाँ, बड़े सौभाग्य का दिन है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का भव्य रूप में विशाल मंदिर बने, जैसे श्री अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह से एक भव्य मंदिर का निर्माण जन्मभूमि पर हो, इसीलिए यहाँ मीटिंग रखा गया था। पूरे वृंदावन के सर्व संत समाज आया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आपको बता दें कि बीजेपी की जीत हो चुकी है और उसी से उत्साहित वृंदावन में जो साधु संत हैं, आज उनकी बैठक रही और इस बैठक में क्या कुछ साफ हो पाया, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, उसकी जानकारी हमें हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अमित शर्मा, वो देंगे। अमित, अभी साधु संतों ने जो आज बैठक की, श्रद्धालुओं ने जो एक अहम बैठक की, उस बैठक में अभी क्या कुछ साफ हो पाया, क्या कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या कुछ निकल कर आया? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की जीत से उत्साहित वृंदावन के साधु संतों ने आज एक बैठक की है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले सभी प्रमुख साधु संत शामिल हुए, जहां पर दोबारा से जीत के प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। एक बार फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य निर्माण की मांग यहाँ से उठाई गई है। जी मनीषा, यानी कि एक बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने फिर से जीत की बधाई दी है, तो एक बार फिर से जिस तरीके से जो साधु संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी तरह वो उनका ये मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस तरीके से उन्होंने काशी को एक भव्य और सुंदर रूप दिया, ठीक उसी तरीके से मथुरा को भी दिया जाए उसी तर्ज पर। अमित जी मनीषा, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि भव्य निर्माण की मांग यहाँ से तेज होती जा रही है, जिसके लिए आज एक मांग पत्र साधु संतों ने अपने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री से मांग की है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के साथ काश में कॉरिडोर बनाए जाने का काम किया है, उसी तरह मथुरा में भी मंदिर निर्माण हो, यहाँ पे श्री कृष्ण कॉरिडोर के रूप में सुंदर मथुरा को सजाया जाए, ताकि जो भी दर्शन करने बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको एक भव्य दर्शन हो। जी अमित, आप जैसा कि जिक्र कर रही हैं कि जो साधु संत हैं उन्होंने ये मांग की है, तो जब हस्ताक्षर किए गए तो उसमें क्या कुछ मांग की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कुछ उस पत्र में लिखा गया? जी मनीषा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को एक बार जीत की बधाई भी दी गई है, वहीं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए और एक भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए भी मांग की गई है, वहीं भारत देश को एक राष्ट्र देश घोषित करने की भी मांग की गई है। जी मनीषा, ठीक अमित, तो आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।